बताता हूं क्या हुआ आज पॉलिटिकल वर्ल्ड में। देखिए जरा, कर्नाटक में चुनाव प्रचार का शोर आज थमा और इससे पहले सभी बड़े दलों ने अपनी अपनी ताकतें झोंकी। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन बड़े नेताओं ने ताकत झोंकी। राहुल और प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने की रैली और उडुपी में महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने किया प्रचार। कर्नाटक चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा कि कर्नाटक में बीजेपी के प्रति उत्साह बढ़ गया है, पीएम मोदी की लोकप्रियता वोटों में बदलेगी और कांग्रेस जब जब विषैली भाषा का इस्तेमाल करेगी उसे मुंह की खानी पड़ेगी, कहा अमित शाह ने। और बिग एंड बोल्ड में यूपी से अगली खबर, जहां सीएम योगी एक बार फिर से माफियाओं पर गरजे। बाराबंकी में निकाय चुनाव प्रचार की रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में माफिया आज जान की भीख मांग रहा है, अपराधी सीना तान के नहीं चल सकता, हमारे शहर सेफ सिटी और स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहे हैं। और अगली अहम खबर राजस्थान से। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के दावे पर भड़की वसुंधरा राजे, बोली चुनाव हारने के डर से झूठ बोल रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा था कि पायलट की बगावत के वक्त मिला था वसुंधरा राजे का साथ और वसुंधरा राजे खुद सामने आकर कह रही हैं कि इस तरीके के आरोप मुझ पर ना लगाए जाएं। कहा जा रहा है कि इस बहाने अशोक गहलोत ने न सिर्फ वसुंधरा राजे बल्कि सचिन पायलट पर भी निशाना साधा, एक तीर से दो शिकार कर लिए। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। कर्नाटक के साथ साथ राजस्थान में सियासी पारा चढ़ रहा है और राजस्थान को लेकर मोदी ने बड़ा प्लान बनाया है। 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग और राजस्थान में मोदी की रैली है। 10 मई को राजस्थान में बीजेपी का चुनावी शंखनाद है। मोदी के साथ विधानसभा चुनाव के लिए यहां प्रचार का बिगुल फूंका जाएगा। आबू में रोड में मोदी हिस्सा लेने वाले, आबू पहुंचकर वहां की रैली में हिस्सा लेंगे। दक्षिण राजस्थान के अपने गढ़ को मजबूत करेगी बीजेपी, एक साथ 26 सीटों को साधने की तैयारी है। मोदी के बाद राजनाथ और नड्डा का भी दौरा है। और अब देखिए, जंतर मंतर में पहलवानों का जो पूरा मुद्दा है वो कैसे हाईजैक करने में न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि किसान संगठन भी लग गए। बैरिकेड्स तोड़े गए, पुलिस के जवानों से धक्का मुक्की हुई, सुरक्षा में लगे जवान समझाते रहे लेकिन हाथों में झंडा लिए किसानों ने किसी की न सुनी। देखते ही देखते किसान संगठन के बेकाबू कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस के जवानों से भिड़ गए। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा घेरे को धता बताकर सैकड़ों किसान पहलवानों के धरना स्थल पर आ धमके। पहलवानों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस मौके पर मौजूद थी, बैरिकेडिंग भी की गई थी लेकिन सब कुछ कम पड़ गया। देखने वालों को शुरुआत में लगा कि किसानों ने पहलवानों का आंदोलन हाईजैक कर दिया है और अब यहां हंगामा होना तय है, लेकिन जंतर मंतर पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। दरअसल किसान संगठन ने पहले से ही घोषणा कर रखी थी कि वो पहलवानों के समर्थन में आज जंतर मंतर पहुंचेंगे, लेकिन एक साथ ज्यादा किसानों के पहुंचने के बाद अफरा तफरी मच गई। किसानों का कहना था कि बैरिकेडिंग की वजह से रास्ता संकरा हो गया था, इसलिए धक्का मुक्की में बैरिकेडिंग गिर गई। और सियासत की दुनिया में और क्या अहम घटा बताते हैं आपको, ये बिग एंड बोल्ड क्विक फाइव पॉलिटिकल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के लिए बिना मंजूरी विज्ञापन नहीं देने की एडवाइजरी जारी की है। इसी के मुताबिक कोई भी पार्टी या प्रत्याशी मतदान वाले दिन या उससे एक दिन पहले बगैर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति की इजाजत के विज्ञापन पब्लिश नहीं करवा सकते। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि मामले में आज अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने आईपीसी की धारा 202 के तहत जांच के आदेश दिए। इसी के साथ कोर्ट ने 20 मई को प्रोसिक्यूटर पक्ष को गवाहों और सबूतों के साथ पेश होने के लिए भी कहा है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने अपनी लोकसभा सदस्यता बचाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अफजाल को हाल ही में गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 साल की सजा सुनाई गई थी। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी को मजबूत करने के लिए ईडी एजेंट के तौर पर काम कर रही है और कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने धमकी दी है। इरफान ने कहा कि अगर फिल्म झारखंड में दिखाई गई तो बवाल करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधते हुए बयान दिया कि फिल्म का विरोध पीएफआई का समर्थन करने वाले दल कर रहे हैं।